डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे राज ठाकरे की और राज ठाकरे के रद्द हुए दौरे की। जो अयोध्या जाने वाले थे राज ठाकरे ने अपने दौरे को रद्द किया है, स्थगित किया है। इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन राज ठाकरे के समूह की तरफ से, उनके जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से, खुद राज ठाकरे की तरफ से और मनसे की तरफ से जो अधिकृत बयान आया है वो यही है कि इस दौरे को फिलहाल स्थगित किया गया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को स्थगित कर दिया है। उन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि अयोध्या यात्रा को अस्थायी स्थगित किया गया है, तभी से इस मुद्दे पर अपने अपने तरीके से आकलन लगाए जाने लगे हैं। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को टाल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। अयोध्या यात्रा स्थगित करने के पीछे का कारण साफ नहीं है, यानी राज ठाकरे ने इस विषय पर कुछ कहा नहीं, केवल स्थगित करने का एक ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पर दे दिया और फिर उसके बाद तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्य स्क्रीन भर गए कि उन्होंने स्थगित किया। इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं कि भाई राज ठाकरे को डर बैठ गया, राज ठाकरे डर गए, या फिर राज ठाकरे ने एक कदम पीछे लेकर तैयारी करके फिर जाने की ठानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद सहित कई लोगों का इस मामले में विरोध सामने आया है। संतों में भी, वहाँ पर जो संत समाज है अयोध्या का, उसमें भी दो फाड़ हो गई। कुछ समूह जो विनय कटियार और अन्य लोगों के प्रभाव में हैं, वो सारे लोग चाहते थे कि राज ठाकरे आए। दूसरे जो कुछ लोग, ब्रजभूषण सिंह सांसद, जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया राज ठाकरे के आगमन का, अयोध्या की यात्रा का, उनके समर्थक संतों या उनसे उनके विचारों से सहमत संतों ने भी विरोध दर्शाया राज ठाकरे के आने का। और उसके पीछे मूल ये है, राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा से किसी को दिक्कत नहीं है। सभी इस मामले में एक पहलू को जोड़ रहे हैं, वो पहलू ये है कि राज ठाकरे कम से कम उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांग ले। उत्तर भारतीयों से इसलिए माफ़ी मांग ले क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे के लोगों ने उत्तर भारतीयों को मुंबई में परेशान किया था, महाराष्ट्र भर में जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। राज ठाकरे की ये घोषणा एमएनएस को दिक्कत में डाल सकती है। एमएनएस के प्रवक्ताओं ने भी वजह बताने से कोई इनकार किया है कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रविवार को जब पुणे में आयोजित सार्वजनिक रैली में इस बात का खुलासा करेंगे। पुणे में एक रैली होने वाली है, पुणे और ठाणे में ही लाउडस्पीकर के मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने उठाया था, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर अब वो रैली में एक रैला होगा और जिसमें रैली होगी, जिसमें वो एक माहौल बनाएंगे और तब जाके ये राज ठाकरे की विशेष स्टाइल बन गई है। और अपनी जो रणनीति है, उन्होंने बाड़ा साहब की तरह अपने आप को पेश करने का एक तरीका ढूंढा है और वो सार्वजनिक मंचों से अपनी बातों को रखने के लिए जाने लगे हैं। अब राज ठाकरे का ये निर्णय कि आखिर उन्होंने ये आंदोलन स्थगित किया तो क्यों किया, अयोध्या यात्रा स्थगित की तो क्यों की, इसकी घोषणा 2 दिन पूरा स्टडी करेंगे या जो भी है उनके जहन में, वो पुणे की रैली में संबोधित करते हुए अपनी बात रखेंगे। माना जा रहा है कि कुछ स्वास्थ्य कारण भी हैं इसके पीछे, ऐसा अंदरूनी सूत्रों ने बताया है, लेकिन अभी तक कुछ इस मामले में कहा नहीं गया है। अब एमएनएस की बेचैनी को बढ़ाने वाली बात पर बात करते हैं। बात यह है कि शिवसेना के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले दोनों ने घोषणा की है कि रामलला दर्शन के लिए उनके आगामी दौरे तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे और उनकी यात्राएं गैर राजनीतिक होंगी। उत्तर प्रदेश और यहां तक के अन्य उत्तरी राज्यों में उनकी अयोध्या यात्रा का विरोध करने वाले बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध के बीच ठाकरे ने अचानक यह निर्णय लिया था। अब देखिए कि राज ठाकरे ने अपना निर्णय तो रोक दिया, स्थगित कर दिया अपनी यात्रा को, लेकिन उसके बाद आई जो घोषणाएं थी आदित्य ठाकरे और नाना पटोले की, वो रुकी नहीं है। यानी उसे राजनीति से इतर करके बताया जा रहा है कि ये एक निजी यात्राएं हैं या सामाजिक यात्राएं हैं या धार्मिक यात्रा हैं, लेकिन उसे राजनीति से न जोड़ा जाए, इसलिए और भी
बुरा होता राजनीतिक दृष्टिकोण से कि अगर राज की घोषणा के बाद आदित्य और नाना पटोले भी अपने निर्णय वापस लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों अपनी बात पर कायम है और वो जाना चाहते हैं। बात बीजेपी और नेताओं और कार्यकर्ताओं की हो तो 2008 में एमएनएस आंदोलन में उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांग कर की जा रही है और राज विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब राज ठाकरे माफ़ी मांग लेंगे तभी उनका स्वागत होगा, अन्यथा उनके लाखों समर्थक जून में अयोध्या प्रवेश को रोक देंगे। हालांकि राज ने कुछ भी नहीं कहा है, दौरा रद्द करने का कोई खुलासा नहीं किया। ऐसी अटकलें हैं कि स्थगन स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह ने स्थगन के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि राज ने यात्रा रद्द की है। वो स्थगन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि राज ने यात्रा को रद्द किया है। आने वाले दिनों में ये तो पता चलेगा कि रद्द की है या स्थगित की है। अब जब रविवार को वो अपने भाषण में क्या कहते हैं इस पर सभी की नज़र है। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज माफ़ी नहीं मांग लेते। इससे पहले धमकियों को देखते हुए मनसे के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की थी और राज्य सरकार और केंद्र से राज के लिए सुरक्षा की मांग की थी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि राज के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो महाराष्ट्र जल जाएगा। राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर आंदोलन शुरू करने के बाद से राज एक महीने से सुर्खियों में हैं। हमने बताया कि आपको के राज ठाकरे को लेकर संतों में धूमफाड़ हो गई। संतों की फाड़ की छोड़िए, बड़े नेताओं की छोड़िए, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी दो धाराएं हैं। एक दो प्रवक्ताओं के बीच के विरोधाभास को भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो प्रवक्ताओं ने अलग अलग बयान दिए। एक भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश के प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह ने इस बात के लिए राज ठाकरे की यात्रा का समर्थन किया और ये कहा कि रामलला के दर्शन करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। दूसरी तरफ संजय ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने पहले राज ठाकरे माफ़ी मांगे तभी जाएं, जो बृजभूषण वाली भूमिका है उसे अपनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय ठाकुर के बयान से अपने आप को अलग कर लिया कि भाई वो उनका निजी बयान है, जैसे बृजभूषण सिंह के बयान को निजी बताया गया था। अब ये निजी बयान और पार्टी के बयान किस तरह से अपनी सुविधा अनुसार गड्ढमंड होते हैं, इसका ये बेहतरीन नमूना है। राज ठाकरे की रैली पर सभी की नज़र है। राज ठाकरे को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा अगर पूरी तरह से रद्द होती है राज की ये रैली, माफ़ कीजिएगा अयोध्या यात्रा, तो इस पर इसका मनसे पर बहुत बुरा एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा कि भाई आप इतने बड़े तामझाम के साथ में जाने की तैयारी करते हैं। कहाँ तो तय होता है कि ट्रेनें बुक हो रही हैं, बोगियाँ बुक की जा रही हैं और कुछ हज़ारों के तादाद में कार्यकर्ता निजी गाड़ियों से, वाहनों से और सार्वजनिक वाहनों से जाने की प्रयास करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, अयोध्या में स्वागत करेंगे और कहाँ अचानक स्थगन होता है। लोगों का ये भी मानना है कि इस मामले को अभी राज का निर्णय लेना और राज का स्थगित करना अपनी यात्रा को, दोनों एक तरह से चर्चा में तो है और ये चर्चा तब तक चलेगी जब तक मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं आते, घोषणा नहीं हो जाती। ये विवाद और चर्चा किसी न किसी कारण बने रहे, इसलिए भी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। राजनीति में राजनीति है, कोई भी किसी भी तरह के निर्णय लेगा वो अपने लिए लेता है, अपने हित की लेता है, अपनी पार्टी की हित की लेता है। राज के मन में क्या है ये राज जाने, भाजपा राज के बहाने क्या चाहती है ये भाजपा जाने, कांग्रेस और एनसीपी इस मुद्दे से कैसे निपटती है ये भी वो दोनों जाने, और उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के खासकर लोग जो मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हुए थे, पीटे गए थे, उनकी भावनाएं कितनी आहत होती हैं या हिंदुत्व की चाशनी को चाटकर राज को वो स्वीकार कर लेते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपको ये बातें कैसी लगी या इस मुद्दे से जुड़ी हुई कई बात आप रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।